Hi and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the fourth part. So in this part we are going to unwrap our model. So let's get started. So model ko unwrap karne ke liye hum UV editing mein jaate hain aur yahan ja ke tab press karte hain aur कुछ ऑप्शंस हैं. यू प्रेस करते हैं. हम सबसे पहले टैब प्रेस करेंगे, एडिट में जाएंगे और सेलेक्ट ए यू एंड लाइव अनरैप और यहां से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है, और दैट्स इट. सो सबसे पहले हमें क्या देनी है, हमें सीन्स देनी है. तो आप इसकी बेसिक्स जो हैं वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके ब्लेंडर की जो बेसिक्स हैं, बिगनर्स जो कोर्स है उसके अंदर आप अनरैप की जो है वो बेसिक्स देख सकते हैं. सो मैंने यहाँ पे सीन्स देते हैं. सो टू प्रेस टू फॉर एच सिलेक्शन, ऑल्ट से ये लूप सेलेक्ट करूँगा और प्रेस यू एंड मार्क सीन. ठीक है, ये आपको अपडेट यहाँ पर दिखाता रहेगा साथ साथ. ठीक है, और इसी तरह ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक से लूप सेलेक्ट होता है, प्रेस यू एंड मार्क सीन. और उसके बाद एक यहाँ पे ले लेते हैं जी, यू एंड मार्क सीन. इसी तरह ही यहाँ पे भी ले लेते हैं एक और यू एंड मार्क सीन. ठीक है जी, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे, ऑल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक से ये लूप सेलेक्ट करते हैं और इसको कहते हैं यू एंड मार्क सीन. ठीक हो गया जी, तो अभी ये परफेक्टली हमारे पास जो है ये अनरैप हो गया. ठीक है जी, सो टैप प्रेस करते हैं, एडिट मोड से बाहर आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, टैप प्रेस करते हैं और टू प्रेस करते हैं एडिट मोड के लिए और लेट से ए एंड शिफ्ट एच. अच्छा, ये अलग-अलग है तो इसके लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एच प्रेस करेंगे, एडिट मोड से बाहर आएंगे, एडिट मोड में आएंगे. सो हमें बेसिकली ये नहीं चाहिए तो इसको हम बाद में डिलीट कर लेंगे. सो लेकिन फिल वक्त हम जो है इसको सेलेक्ट करते हैं. ठीक है जी, और प्रेस यू एंड मार्क सीन. ठीक है जी, और उसके बाद इतना इसको प्रेस करते हैं यू मार्क सीन और लेट से इसको प्रेस करते हैं एंड प्रेस यू मार्क सीन. ठीक है जी, हम और भी कर सकते हैं, इसको भी अगर करते हैं तो ये भी अलग हो जाएगा. लेट से चले बेसिकली ये है अनरैप. ठीक तो लग रहा है लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर सीन देते हैं. ठीक है जी, और मार्क सीन कर देते हैं. ठीक है, तो अभी ये काफ़ी बेहतर हो गया. ठीक है जी, और ऑल्ट एच से अनहाइड करेंगे और फिर ऑल्ट एच दबाएंगे तो बाकी का मॉडल भी वापस ले आएंगे. ठीक है जी, ये दोनों हमारे हो गए. लेफ्ट से इसको सेलेक्ट करते हैं विद शिफ्ट एच और हाइड करेंगे इसे, और ये सीधा सीधा ही है. लेट से कि इसको टैब में जाते हैं, प्रेस ऑल करते हैं और एंड अनरैप. ठीक है जी, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये अनरैप हो गया. उसके बाद ऑल टच करेंगे, अनहाइड ऑल करेंगे और इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट एज से इसको सोलो मोड में जाएंगे और टैब प्रेस करते हैं, और टैब प्रेस करके ये डेल प्रेस करने से ये इसको फ्रेम कर देगा, और टू प्रेस करते हैं और ये लूप सेलेक्ट करते हैं और इसको करते हैं यू एंड मार्क सीन. ठीक है जी, और लेट से के ये पकड़ लेते हैं लूप और यू एंड मार्क सीन. ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया. टैब से बाहर जाएंगे, ऑल्ट एच प्रेस करेंगे और ये हम एक ही करेंगे क्योंकि रिमेंबर हमने कॉपीज ही बेसिकली इसकी लेनी है. इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट एच, और ये भी सिंपल ही है, टैब प्रेस करते हैं, मिरर है बेसिकली ये, तो इसमें कोई इतना हमें मुश्किल नहीं होगा. सो इसको लूप पकड़ते हैं ये वाला और यू प्रेस करते हैं और इसको करेंगे जी मार्क सीन.
तो ये ऑलरेडी हमारा स्ट्रेट हो गया, ठीक है। ऑल्ट एच से हम आइडल करेंगे और उसके बाद हमारा ये बोल्ट रह गया लेफ्ट से, तो इस बोल्ट को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट एच, और इसके भी बैक से हम डिलीट करेंगे। लेकिन ये इसलिए डिलीट नहीं किया कि हाई रेस के अंदर हमें ज़ीब्रश में जो है वो फेसेस लेके जाने हैं, बैक फेस जो है वो फिल करके लेके जाना है, लेकिन लो पॉली के अंदर हम ये फेसेस जो है वो डिलीट कर देंगे, तो यूवी में से भी वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, तो टैब प्रेस करते हैं, टू प्रेस करेंगे और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यू प्रेस करेंगे मार्क सीन, और यहाँ और यू एंड मार्क सीन, ठीक है जी। और टैब से बाहर जाएंगे ऑल्ट एच, और हम क्या करेंगे जी, एक काम और करते हैं, हम डबल ए प्रेस करते हैं, देन ए प्रेस करेंगे सेलेक्ट ऑल, और हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसको करेंगे शिफ्ट टी, शिफ्ट डी और राइट क्लिक जी और एक्स, और इसको ले देंगे यहाँ, ठीक है जी। और उसके बाद इसको पकड़ते हैं ऐसे और यहाँ जाएंगे न्यू कलेक्शन में, और इन सबको पकड़ के न्यू कलेक्शन में डाल देंगे, और लेट्स से इसको नाम दे देंगे जी बैरल, बी आर एल कर देते हैं, लेट्स से बैरल अंडरस्कोर एच पी हाई पॉली, ठीक है, या ये हाई पॉली नहीं है, हम इसको करेंगे जी, ठीक है, जी ब्रश के लिए जो हम अपना रेडी कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से कर देते हैं जी हाइट, और ये हमारे पास लो पॉली है, इसको फ्रेम करते हैं। और अब हम जो करेंगे, हम प्रेस ऑल और हम जाएंगे जी टैब में, ठीक है जी, एडिट मोड में जाएंगे। ये मल्टीपल बेसिकली हम सिलेक्शन कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर, मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी एल फॉर लिंक होता है, जो एल प्रेस करेंगे लिंक, और इधर आके जी प्रेस करेंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह ही मैं अगर शिफ्ट एच करूँ और लेट्स से कि मैं थ्री प्रेस करूँ और इसमें जाऊँ और मैं कंट्रोल प्लस से ग्रो करूँ सिलेक्शन को और सिंपल इसको करूँ डिलीट और डिलीट फेसेस, तो ये फेसेस डिलीट कर दिए हैं। ऑल्ट एच से अनहाइड ऑल, ठीक है। इसी तरह मैं सिलेक्ट करता हूँ जी एल प्रेस करता हूँ लिंक सिलेक्शन पे इसके लिए, और शिफ्ट एच, ठीक है, ये सब ओके है। ऑल्ट एच, ठीक है, और ये भी ओके है बिल्कुल। इन टैब से बाहर निकलता हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको करता हूँ शिफ्ट एच, अच्छा ये ओके। और अब टैब में जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं डिलीट एंड फेसेस, और उसके बाद ऑल्ट एच करेंगे, बाहर आएंगे टैब से, ठीक है जी। इसी तरह ये चले रहने देते हैं, जो बैरल है बैरल का यहाँ पे रहने देते हैं, अच्छा ओके। और लेट्स से ये भी हमारा ओके है, ठीक है, ये भी ओके है हमारा, ये भी ओके है हमारा, और ये भी ओके हो गया। चलिए, ये हमारा है जी, टैप प्रेस करते हैं, ये इसका हाफ ही आ रहा है, ठीक हो गया, बाहर जाते हैं। चलिए, ये पकड़ेंगे शिफ्ट से, इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको, इसको और इसको, ये हमने जो अनरैप किए हैं वो तमाम पकड़ लिए हैं। और टैप प्रेस करेंगे, टैप प्रेस करने से ये है कि हम देख सकते हैं अपने यूबीज, और डी सेलेक्ट करते हैं, एल प्रेस करेंगे और जी एंड ये, और एक काम हो सकते हैं, सबको अगर सेलेक्ट करें यूवी में जाएं, उनको कहें पैक आइलैंड, तो एक रफली हमें वो पैक कर देगा, और उसके बाद हमने जो है अपनी मर्ज़ी से बेसिकली, अब जिस तरह इसको हमने स्पेस ज़्यादा देनी है लेकिन उसने स्पेस ज़्यादा नहीं दी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको पकड़ते हैं एल, और ये हमारा सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद उस पर भी एल, ठीक है, इस पर भी, और ये और ये हमारा पूरा जो बैरल है वो सिलेक्ट हो गया, तो हम सिंपल क्या करेंगे जी फॉर ग्रैब और उसको इधर ले जाएंगे, और बाकी जो है सबको सिलेक्ट करेंगे और उसको ग्रैब करेंगे और इधर ले जाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं कहता हूँ जी यू बी और पैक आइलैंड, ठीक हो गया जी, और इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा,
अब मुझे स्पेस इसकी एडजस्ट करनी है। ये टॉप पार्ट है, बॉटम पार्ट इसका बेसिकली ये है, ठीक है। कंट्रोल प्लस से मैं सिलेक्शन ग्रो करूँगा और वो ये पार्ट है इसका, ओके। और इसको अगर मैं देखूँ, इसको ऑल्ट से ब्लू सेलेक्ट करूँ, वो इसका ये पार्ट है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मुझे सीन ये वाली रिमूव करनी है ताकि ये पार्ट इसके साथ मैं अलहदा कर सकूँ। तो मैं राइट क्लिक से भी कर सकता हूँ, शार्प में इसको करना है क्लियर सीन, ठीक है। और मैं इसको पकड़ूंगा और यू से भी बेसिकली, और राइट क्लिक से भी आप दोनों से कर सकते हैं मार्क से। तो मैं बेसिकली यू से करता हूँ, तो इसलिए सॉरी एल। और अभी ये वाला एरिया मैं देख लेता हूँ, 3 प्रेस करता हूँ और कंट्रोल टैब, ये एरिया आप दोनों इकट्ठे हो गए हैं। इसका फ़ायदा यह है कि इसको हम फेयरली छोटा कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको यहाँ कहीं रख देते हैं, ठीक है। और ये अनप्रेस इसने सब पे कर दिए, अच्छा। अभी मैं एल प्रेस करूँगा, ठीक है, इस पे और इस पे, इस पे और इस पे, ठीक है जी। और मैं करूँगा जी फॉर ग्रैब और इसको यहाँ ले आऊँगा, बाकी सब मैं सिलेक्ट करूँगा और सिंपली इसको ग्रैब करके यहाँ पे ले जाएंगे। अभी सिंपल इस सबको सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं कहता हूँ जी यू में जाके पैक आएगा, ठीक हो गया जी। और ये हमें रफली सी एक जो है उसने पैक करके दे दिया। अभी सिंपल अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे इसको, सो यू भी हमारी टाइल जो है वो काफ़ी अच्छी बन गई है। हमने काफ़ी जितनी बेहतर हम स्पेस यूज़ कर सकते हमने कर ली। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्कल्प्ट करेंगे इसकी हाईरस डिटेल, जो हाईरस है उसको हमने सिर्फ लूप्स देने, वो भी मैं वीडियो के स्टार्ट में दिखा दूंगा आपको। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़, एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।